हेलो गाइस, नमस्कार। मैं उत्तेन मिश्रा और आप देखें यहाँ पे टैंकर तेज यूट्यूब हिंदी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप अपने चैनल को ग्रो कैसे करें, आपका चैनल यहाँ पे कैसे ग्रो हो। अगर आपने यहाँ पे नया नया चैनल बनाया है और आपका चैनल यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो उसे अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपका चैनल यहाँ पे ग्रो जरूर होगा और आप जो है बहुत जल्द जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आप भी यहाँ पे अर्निंग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो फटाफट आपको यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से वो टिप्स हैं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें जो है फिल करनी होती है। पहला तो वहाँ पे टाइटल आपको डालना होता है, दूसरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना होता है, तीसरा यहाँ पे आपको टैग यूज करना होता है। किसी भी वीडियो को ग्रो करने के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और साथ में प्लस में यहाँ पे आपको थंबनेल भी आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वीडियो ग्रो होने में, जिससे कि आपका चैनल यहाँ पे ग्रो हो सके। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई भी वीडियो बनाते हैं, अगर उसका टाइटल आपने ऐसा दिया हुआ है जिसको कोई नहीं सर्च करता है, तो आपका वीडियो कभी भी जो है वॉच टाइम में नहीं आएगा। मीन्स कि आपका वीडियो कभी भी यहाँ जो है वायरल नहीं होगा, वॉच में नहीं आएगा। कोई उसे सर्च करेगा तो वहाँ पे ऊपर होम पेज पे नहीं दिखाई देगा। तो आप अगर जब भी यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करें तो टाइटल ऐसा रखें कि लोग उसे सर्च करें तो उनके सर्च कीवर्ड में वो आपका टाइटल जरूर आए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जो कि वीडियो से रिलेटेड ना हो। मीन्स कि अगर आप जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखते हैं वो आपके वीडियो से ज़रूर यहाँ पे मैच होता हो, तभी आपका यहाँ पे जो वीडियो है वो सर्च में आता है और उससे जो है यहाँ पे वॉच टाइम भी आता है और आपका यहाँ पे चैनल भी उससे ग्रो होता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा यहाँ पे टैग आता है। दोस्तों, टैग में क्या होता है कि आप टैग जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं उससे रिकॉर्डिंग कोई भी टैग आप देखते हैं कि जो ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे म्यूजिक सर्च करता है तो म्यूजिक का जो नाम लिखता है, लोग जो नाम लिख के सर्च करते हैं, जनरली जो ज़्यादातर सेम नाम लिख के सर्च करते हैं वो सबसे बेस्ट टैग होता है, वही टैग यूज किया जाता है टैग में। तो अगर आप इस तरह से अगर सोच के अपने माइंड से यहाँ पे सोचेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे सर्च होता है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कीवर्ड है वो सर्च से मैच करेगा, तो उससे आपका वीडियो जरूर यहाँ पे जो है होम पेज पे आता है और फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई देता है, सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। तो उससे यहाँ पे आपका चैनल जो है जरूर यहाँ पे ग्रो होता है। तो दोस्तों, ये पहला टिप्स है यहाँ पे चैनल ग्रो होने के लिए। दूसरा टिप्स ये है, अगर आप कोई भी चैनल यहाँ पे बनाते हैं और वीडियो आप कंटिन्यूसली डेली अपडेट आप जो है वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस आप जो है 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं या हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको उसे रेगुलर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो ऐसे 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो अगले हफ्ते में आप जो है यहाँ पे एक हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो उससे भी आपका चैनल जो है यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता है, वो रुक जाता है। उससे होता क्या है कि आपके जो वीडियो हैं वो आपके जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें कंटिन्यूसली मिलती रहती है, तो वो आपके वीडियो को देखते रहते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपका चैनल यहाँ पे जो है रैंक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे बीच में अपना वीडियो अपलोड करना बंद कर देते हैं, मीन्स कि आप जो है लेट में यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पे दूर होने शुरू हो जाते हैं और आपकी वीडियो वॉच नहीं करते हैं, तो उससे आपका चैनल जो है वो ग्रो होना यहाँ पे बंद हो जाता है। दोस्तों, कोई भी चैनल यहाँ पे जब भी ग्रो होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो होता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपका चैनल यहाँ पे जरूर ग्रो होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे तीसरा टिप्स ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो ज़्यादातर वीडियो बनाते समय आप ये ध्यान में दें कि आप जो भी वीडियो बना रहे हैं उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट में हो। मीन्स कि ज़्यादा यहाँ पे आप जो है बोर ना करें किसी को। जब भी वीडियो बनाएं ज़्यादा कोशिश करें कि वो शॉर्ट में कंटेंट हो। जितना कम टाइम का यहाँ पे वीडियो होगा, मीन्स कि जितना शॉर्ट वीडियो आप यहाँ पे बनाएंगे तो लोग उसे ज़्यादा वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम कम होता है, वो बहुत ही कम टाइम में वो उस चीज़ को जानना चाहते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऐसा
वीडियो बनाए तो वो शॉर्ट फॉर्म में बनाए, तो उससे क्या होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं या जो आपके वीडियो को वॉच करते हैं वो आपको वीडियो पे वो आपके वीडियो पे यहाँ पे रुके रहते हैं और आपका वीडियो यहाँ पे वॉच करते रहते हैं, इससे आपका जो वॉच टाइम है वो यहाँ पे जो है बढ़ता है, साथ ही साथ आपका जो वीडियो है वो भी यहाँ पे रैंक होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये है कुछ टिप्स जिससे आपके चैनल जो है यहाँ पे ग्रो होते हैं, और यही फार्मूला हर चैनल पे यहाँ पे लागू होता है, जितने भी YouTube पे चैनल हैं ये सभी चैनल जो है इसी फार्मूले पे यहाँ पे जो है ग्रो करते हैं और ग्रो हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी चैनल यहाँ पे जो है ट्रेंडिंग में आए, आपका भी चैनल यहाँ पे ग्रो हो और आप भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग करें, तो आपको इसे ज़रूर यहाँ पे जो है फॉलो करना होगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना है, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया और आपको यहाँ पे क्या करना होगा। अगर आप इसे करते हैं तो आपका चैनल यहाँ पे एक दिन ज़रूर जो है आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह वीडियो लेके आता रहता हूँ, आप सभी की हेल्प करता रहता हूँ, तो आप जो है चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।